डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने नए क्लास की जर्नी इस नए सेशन में कैसे स्टार्ट करें। मैं आज कुछ ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ जिसके हेल्प से स्टूडेंट्स अपने क्लास में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बता दूँ कि इस नए क्लास की शुरुआत को मैं जर्नी कह रहा हूँ, क्योंकि इस जर्नी में आपको काफ़ी इंथुजियाज्म के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आप इस नए क्लास की जर्नी को इंटरेस्ट लेकर स्टार्ट करें, इसे कभी भी बोरिंग न बनाएं। आप अटेंटिव रहें क्लास में, रेगुलर रहें और सिंसियर रहें। आप होमवर्क करना न भूलें और पढ़ाई गई टॉपिक्स को आप ज़रूर रिवाइज करें। ये हमेशा ही बेहतर होता है कि जो टॉपिक क्लास में पढ़ाई जाने वाली है आप उसे पहले से पढ़कर आएं, कुछ तैयारी करके आएं। आप क्लास में बेहतर ढंग से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अपनी पढ़ाई के दरमियान आप ये याद रखें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 4 दिन या 5 दिन मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे अवश्य ही आप समय निकालें। आप देखेंगे कि आप इसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, ये आप ज़रूर याद रखें कि आप किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए क्लास में हेजिटेट ना करें। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए आप अपने टीचर से ज़रूर क्लियर कर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि यह आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को क्लास के साथ अप टू डेट रखेंगे। इसलिए जो भी क्लास में पढ़ाई होती है आप उसको अप टू डेट रखें, घर में रिविज़न करें और पढ़ाई जाने वाली टॉपिक को आप घर से पहले से पढ़ करके आएँ। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, टेस्ट के लिए या टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए या एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए आप सेशन के शुरुआत से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आप नोट्स बनाएं और एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी आप समझें कि आने वाले एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, क्लास में रेगुलर रहें, हार्ड वर्क करें। आप देखेंगे कि रेगुलर हार्ड वर्क करना एक ग्रैंड सक्सेस की गारंटी होती है। आप सेशन के एंड में बहुत बेहतर रिजल्ट के साथ इस क्लास को क्लियर कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, खुद आप इस ग्रैंड सक्सेस को बेहतर ढंग से सेलिब्रेट कर पाएंगे। हाँ, ये आप बिल्कुल ना भूलें कि थोड़ा समय आप इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी हॉबी के लिए, गेम्स के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अवश्य निकालें, ताकि आपका यह सेशन, आपकी पढ़ाई बोरिंग ना हो, आप पूरी इंटरेस्ट के साथ अपने सेशन को कंप्लीट कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, इसका बेनिफिट मिल सके। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं और भी कुछ बेहतर वीडियो और टिप्स आपको दूँ, जिसका आपको इंटीमेशन, अपडेट मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप ज़रूर लाइक करें।
थैंक यू।